पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है अशोक कुमार को। अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद जो थे यह हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष का पुरुष खिलाड़ी जो है यह हैं हार्दिक सिंह, और वर्ष की महिला खिलाड़ी जो हैं जिसे कि कहते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल वो हैं सामिली टेंट। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है अशोक कुमार को। यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को प्राप्त किया जाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में तथा अध्यक्ष इसके दिलीप टर्की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला तिरसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा हुई है? क्या हुई है बम्बई में बनाए जाने की घोषणा। मुंबई जो है यह आरबीआई सेबी एनएससी तथा बीएससी का मुख्यालय है। यहीं पर अभी हाल ही में अटल सेतु का अनावरण जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है जबकि इंडिया गेट जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु जो है यह ट्रैफिक इंडेक्स में छठे स्थान पर रहा। दिल्ली वायु प्रदूषण में टॉप पर रहा और वाराणसी जो है यह गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों में से नंबर एक पर है। उद्देश्य इसका जो है यह तिरसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन का उद्देश्य जो है यह एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत में के अंदर जो है वह एक भी सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। सन 2001 में अंडमान निकोबार कमांड को एक पूर्ण तिरसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है रोहन बोपन्ना तथा मैट एबडेन ने। इन दोनों ने जीत लिया है। उपविजेता इसमें रहे इवान डोडिक तथा ऑस्टिन क्राचिसेक, इसमें जो है यह उपविजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं एम एस धोनी ने जो है यह विकेट के पीछे कुल 300 लोगों को विकेट कीपिंग किया है। पहले स्थान पर MS धोनी, दूसरे पर कमरान अकमल हैं। साथ ही MS धोनी ने T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बन गए हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 2 अप्रैल को। इसकी थीम जो है यह है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। शुरुआत 2008 में। इसका जो नोट है, जो इसका रंग है, वह नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो कुल 30 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, नेशनल पार्क में नामदफा तथा राष्ट्रीय उद्यान है। करंट अफेयर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचेफू सुरंग का उद्घाटन यहीं किया है। नावे पाके पागा हैंडल महोत्सव यहीं पर शुरू हुआ है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। कई पन्नेर जो है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गोरसम कोरा उत्सव जो कि 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया वह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के सेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है बुल्गारिया तथा रोमानिया। ये दोनों जो हैं यह
आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, राष्ट्रपति रूमेन राडेव हैं तथा प्रधानमंत्री निकोले डेनकोव हैं। मुद्रा यहाँ की बुल्गारियाई लेव है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा यहाँ की है, मुद्रा जो है यहाँ की मुद्रा है वह है रोमानिया लिव तथा मार्सेल सियोलाकू ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। हाल ही में ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर वन खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। 2024 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच जो हैं यह सर्बिया से हैं। इन्होंने ATP टूर का रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा है। 9 अप्रैल 2024 को नोवाक जोकोविच जो हैं वह रोजर फेडरर का रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर 321 दिन की आयु में ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर वन जो ग्रैंड मास्टर हैं वह बन जाएंगे। विश्व के नंबर वन ATP रैंकिंग में टॉप पर होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया, तो बनाया गया है शेफाली शरण को। मनोज सोनी जहाँ या UPSC के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान CDS हैं और राजीव कुमार जो हैं यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। स्थापना जो है PIB के 1919 में, मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। अप्रैल 2024 में 5वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है, तो यह जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। महाराष्ट्र की टीम ने रेलवे को हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम किया है। इसका आयोजन इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ है। खो खो में कुल 137 देशों में खेला जाता है। खो खो जो खेल है यह कुल 137 देशों में खेला जाता है। खो खो विश्व चैंपियनशिप अगले साल इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा जो है यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का टॉप पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी जो है यह पहली बार दिल्ली ने की है। वहीं पंजाब जो है वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता रहा है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई तथा राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेशनल पार्क में संजय गांधी नावेरी नवेगांव तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर में, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है और FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य जो है यह महाराष्ट्र बना है।